नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अज्ञात बाइक की टक्कर से सौंत जा रहे युवक की हुई मौत। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटना की जानकारी परिजनों को मिली। परिजनों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, मामला बेबरू थाना अंतर्गत पतवन गांव का है, जहां सुबह सौंच के लिए युवक प्रतिदिन की तरह खेत जा रहा था। रास्ते में जाते समय तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने युवक को टक्कर मार दी। इस घटना में युवक सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आने जाने वाले ग्रामीणों ने देखा तो युवक के परिजनों को जानकारी देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके से बाइक सवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा से ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या घटना हुई है? घटना, हमारा लड़का दिलीप कुमार टट्टी आया था सौंच की वजह शाम को, अब बीच में एक किलोमीटर दूर पतवन से रोड में एक्सीडेंट हो गया। हाँ साहब, वो अब वो पता नहीं माने, वो लड़का है साथ में हमारे, लेकिन नाम नहीं जानता उसका कौन है वो। नहीं, कहे से टक्कर मारा? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल? ये कहाँ थे? ये पैदल थे। सौच के लिए आ रहे थे। अच्छा, तो फिर कहाँ लेके आए थे? हम अस्पताल लेके आए थे। सका, तो सका, में क्या बताया? उसमें मृत घोषित कर दिए। अच्छा, मृत घोषित कर दिए। अच्छा, मौके पे पुलिस आ गई है? हाँ हाँ हाँ। तो क्या पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। अच्छा, जो टक्कर मारा तो वो पुलिस की हिरासत में है? अब यही था, हमें तो होश ही नहीं भाई साहब ने किया। हिरासत में है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। पतवन। सर, बबीरू थाना अंतर्गत पतवन में कल युवक की बाइक से टक्कर में मौत हो गई थी, क्या सर पूरा मामला? ये बबीरू थाना अंतर्गत जो है एक गांव पतवन है, यहाँ करीब 7-8 बजे के आसपास की बात है। वहाँ पर एक व्यक्ति, करीब व्यक्ति क्या है, वो 16 साल की उम्र का एक लड़का, छोटू नाम है उसका, वो पैदल ही जा रहा था। वहाँ पीछे से एक शराब के नशे में एक राजा राम नाम का व्यक्ति है, जो शायद मध्य प्रदेश का रहने वाला था, वहाँ किसी रिश्तेदारी में आ रहा था, अपनी मोपेड मोटरसाइकिल से उसे पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तत्काल CSC बबेरू में उसको भेजा गया, जहाँ पर उसकी मौके उसका हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। और इसमें मुकदमा लिख करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।